2021 में करण की बहुप्रतीक्षित फिल्म तख्त के संवाद लेखक हुसैन हैदरी अपने ट्वीट्स के कारण विवादों के घेरे में आ चुके हैं, जहां वे लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्थिति तो ये हो गई कि आक्रोशित सोशल मीडिया यूजर्स ने हैशटैग बॉयकॉट तख्त ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले हुसैन हैदरी ने हिंदुओं के विरुद्ध अपना वैमनस्य दिखाते हुए ट्वीट किया, अपर कास्ट हिंदू यानी सवर्ण हिंदू पूरे देश का सत्यानाश करके बैठे हैं, पर ज्ञान बांटने में, भाषा का श्रृंगार सिखाने में और शालीनता का पाठ पढ़ाने में सब एक नंबर है। अपने कॉलोनियों में घर घर जाओ और चप्पल मार मार के बोलो कि बीजेपी को वोट ना करे, हिम्मत दिखाओ, बकैती नहीं। पर हुसैन हैदरी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आज सुबह फिर ट्वीट करते हुए कहा है इन दो शब्दों का इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी है, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। अब हुसैन हैदरी के इन ट्वीट्स पर टिप्पणी करने से पहले जनाब के बैकग्राउंड पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। IIM इंदौर से परास्नातक करने वाले हुसैन कुछ समय तक कोलकाता में रहे। इसके बाद वे अपनी नौकरी छोड़ छाड़ कर मुंबई पधारे, जहां इन्होंने बतौर गीतकार करीब करीब सिंगल, मर्द को दर्द नहीं होता जैसी फिल्मों और TVF के सीरीज TVF ट्रिपलिंग, ये मेरी फैमिली और Amazon प्राइम के वेब सीरीज लाखों में एक के लिए गीत और संवाद लिखे हैं। अब आते हैं हुसैन हैदरी के करण जौहर कनेक्शन पर। ये महोदय करण जौहर की बहुप्रतीक्षित फिल्म तख्त के लिए संवाद लिख रहे हैं। ये फिल्म मुगल साम्राज्य के लिए सबसे खूनी संघर्षों में से एक पर आधारित है, वो कहानी जिसमें मुगल बादशाह शाहजहां का उत्तराधिकारी बनने के लिए उनके चारों पुत्र में एक खूनी संघर्ष चला था। इस फिल्म के साथ कई बड़े नाम जुड़े हैं, जिसमें अनिल कपूर मुगल बादशाह शाहजहां का रोल निभाएंगे, जबकि करीना कपूर खान उनकी पुत्री जहां आरा का किरदार निभाएंगी। रणवीर सिंह शाहजहां के प्रिय पुत्र और उनके उत्तराधिकारी दारा शिकोह का किरदार निभाएंगे, जबकि विकी कौशल मुगल सल्तनत के सबसे खूंखार और बर्बर शासक औरंगजेब का किरदार निभाएंगे। तो फिर इसमें समस्या क्या है? समस्या है हुसैन हैदरी की विषैली विचारधारा और CAA के विरोध के नाम पर हिंदुओं के विरुद्ध उनका वैमनस्य। उदाहरण के तौर पर आप इस ट्वीट को देखें जिसमें वो हिंदुओं के खिलाफ अपने विचार रख रहे हैं। इस ट्वीट में हुसैन हैदरी यूपी में उपद्रवियों पर हो रहे कार्रवाई को हिंदू आतंकवाद की संज्ञा दे रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगलता है, वो मुगल साम्राज्य के महिमा मंडन में ना जाने क्या क्या चित्रित करेगा। ऐसा लगता है कि करण जौहर ने कलंक के बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरने से कोई सबक नहीं लिया है। तभी उन्होंने हुसैन हैदरी जैसे विषैले और घृणास्पद विचारधारा रखने वाले लेखक को फिल्म के संवाद लिखने के लिए नियुक्त किया है। मजे की बात तो यह है कि हुसैन हैदरी वही व्यक्ति है जिसने मुक्काबाज जैसी फिल्म के लिए गीत भी लिखे हैं। वो फिल्म जिसमें गौरक्षकों का मजाक उड़ाया गया था और ब्राह्मणों की बेहद नकारात्मक छवि पेश की गई थी। मतलब जनाब की हिस्ट्री काफी ब्राइट है जी। वामपंथियों के लिए ऐसे में अब तक तानाजी जैसी फिल्म के विपरीत मरहम के समान लग रही है, जिसमें मुगलों का महिमा मंडन करने की काफी संभावनाएं नजर आती हैं। हुसैन हैदरी के विषैले ट्वीट्स को देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तख्त में मुगल साम्राज्य की बर्बरता को न्यायिक दिखाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। परंतु सोशल मीडिया की जनता भी अब पहले जितनी अंधी नहीं रही। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तुरंत हुसैन हैदरी के विष को उजागर करते हुए बॉयकॉट तख्त की मांग को शुरू कर दिया। ऐसे में जवाबदेही से बचने के लिए हुसैन हैदरी ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया है और अपने ट्वीट्स को भी प्रोटेक्टेड श्रेणी में डाल दिया है। सच कहे तो CAA पारित होने की वजह से कल तक जो सांप अपने बिलों में छुपे हुए थे, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी विषैली सोच जग जाहिर कर रहे हैं। अब एक करण जौहर के ऊपर है कि क्या वो एक बेहतर विकल्प चुनते हैं या फिर चंद रुपयों के लिए एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन समुदाय के अपमान करने वाले प्रोपेगेंडावादियों को बढ़ावा देते हैं।